रेलवे ट्रैक पर तीन आदिवासी नाबालिग शव की सीबीआई जांच नहीं हुई तो परिजन दुमका रामपुर हाट मुख्य रोड को करेंगे जांच। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया शहर जोरी रेलवे ट्रैक पर कुछ दिन पहले तीन शव को पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें ग्रामीणों ने और उसके परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि एक साथ तीन शव रेलवे ट्रैक पर मिलना हत्या की आशंका का संकेत हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि हत्या है या आत्महत्या। इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर तीन शव के साथ एक और लड़की थी, जिसका नाम प्रिया मुर्मू बताया जा रहा है, जो बरमसिया के दुर्गापुर की रहने वाली है और पुलिस उसे बचाने में जुटी हुई है। अगर पुलिस प्रिया मुर्मू को रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है तो सारा सच सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, उसके परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को जांच करने के बजाय लीपापोती करने में जुटी हुई है और सभी ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि प्रिया मुर्मू को हिरासत में लेकर पूछताछ करें। इतना ही नहीं, ग्रामीणों और उसके परिजनों ने यह भी कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला और इस मामले पर सीबीआई जांच नहीं हुई तो दुमका रामपुर हाट के मुख्य रोड को जाम कर देंगे। लाइन रेक तेन गजना लाइन गज तो बाटा गजे को अगू का खे खजना गज चो प्रिया सबे नित जाँच पोस्टमार्टम आड़ी को एड़े को लिया सारी रिपोर्ट बाको लिया एड़े को लई के बाले कुछ सही खज बताइए। मेरा नाम है रेखा हेमरम, पूर्वक उप मुखिया थे हम और अभी हम लोग जमा हुए हैं अजय और साइमन और एल्विना के सिलसिले में। अभी हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग कल गए थे थाना प्रभारी हम लोग को दिखाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें 8 दिन 10 दिन तक हम लोग को गुमराह करके आया है और वहाँ दिखा कर बोला बोल एक्सीडेंट में आप लोग का बच्चा लोग मरा गया, लेकिन सरासर वो झूठ है, वो सही नहीं है। वो लोग मर्डर करके वो पटरी में रख दिया है और उस साजिश के तहत इसमें प्रिया की हाथ है, सब करनामा उसी का है। हाँ, वो अभी आज़ाद घूम रही है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हम लोग को इंसाफ मिले अजय का और साइमन को और एल्विना को इंसाफ मिले और सीबीआई जांच होना चाहिए इसमें और अच्छा से हम लोग को अगर यदि नहीं मिला तो हम लोग शिकारीपाड़ा और दुमका रामपुर हाट मुख्य सड़क जाम करेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा से रिपोर्ट चाहिए और इंसाफ चाहिए। हम लोग यही न्याय सरकार से गुजारिश करते हैं और हम लोग का मांगे पूरी करें, इंसाफ चाहिए हम लोग को। यही बोल के अपना बात को हम समाप्त करते हैं। जानते हैं कि 21/5/2022 को जब रेलवे एक्सीडेंट बताया हम लोग जाके देखे, वहाँ एक्सीडेंट नहीं है, वो हादसा मर्डर करके फेंका है, तो इसलिए हम लोग को अजय साइमन और एल्विना को इंसाफ देना चाहिए और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो उल्टा पट्टा लिख करके मैंने बोला है कि रेल से कट गया है, ये नहीं है, ये मर्डर करके रेल में फेंका गया। ऐसे में तो हम लोग यदि नहीं कुछ करते हैं, प्रशासन के पास नहीं कुछ बोलते हैं, तो ऐसे में तो और भी मर्डर हो सकता है, इसलिए हम ये यदि नहीं कार्रवाई करता है प्रशासन तो आगे की फिर हम लोग कार्रवाई करने के हम लोग तैयार हैं और भी करेंगे आंदोलन। 2-4 दिन के बाद यदि प्रशासन इसका कानून नहीं कार्रवाई करता है तो हम लोग और भी आंदोलन में जारी रहेंगे। प्रिया मुर्मू को अभी घूर फेर कर रहा है, उसको लोविलंग जेल में बंद करके उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाए, जेल में बंद कर उसको जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रिया मुर्मू को जब वो घूर फिर रहे हैं आराम से, उसको जल्दी से जल्द गिरफ्तार करे, उसको पूछताछ किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील
मैं ग्राम प्रधान हूँ। बताइए, एल्बिना मुर्मू, साइमन मरांडी और अजय हेमरम का मामला जो है काफ़ी गर्माता जा रहा है और इस पर जांच का रिपोर्ट भी आया था, इस पर ग्रामीणों का, इसके परिवारजनों का क्या कहना है और सरकार से इसकी क्या मांग है? देखिए, विगत कल अजय हेमरम, साइमन मरांडी और एल्बिना की गार्जियन ने हमको बुलाने का काम किया और जहाँ अपना दुख दर्द हमारे सामने बताया है। इनका कहना है कि 20 तारीख को इनके बच्चे जो अपने नाबालिग हैं, 20 तारीख रात को किसी ने मार करके फेंक दिया है और रेलवे लाइन पर रख दिया है। 21 तारीख सुबह इनका लाश मिलता है और लाश मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई और इनका कहना है, इनका बताना है कि तब से आज तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का बात बोल करके आश्वासन देते रहे और एक सादा कागज में पुलिस द्वारा साइन कराया गया कि आपका बेटा हेमरम को, जो आपका अजय के पिताजी हैं, उनका कहना है कि उसमें क्या लिखा गया है हमको मालूम भी नहीं। पेपर में हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा गया है कि इनका मौत एक्सीडेंट के द्वारा हुआ है और इस पर कोई आपत्ति नहीं है, बेटा हेमरम का बयान ऐसा लिखा गया, हमने पढ़ा। तो कल इनका जो पुलिस प्रशासन शिकायत पड़ा के द्वारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के